लो जी सर, आज के दिन की शुरुआत चाय के साथ और अपन चले हैं सोयाबीन की बोनी करने के लिए। पीछे से 47 भी आ रहा है। आज अपन ने स्वराज में बस आया है क्योंकि उसकी जो लिंक का एक जैक है, मैसी की, वो टूट गया था कल, तो उसको ठीक कराना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा। तब तक अपन उससे ट्रॉली भर के कोई और काम करवा सकते हैं। फिलहाल तो अपन ने शीतल भर ली है, इसको रख लिया है, बाकी बीज वो लोग दूसरे ट्रैक्टर पर लेके आएंगे, ट्रॉली में लेके आएंगे। अब फटाफट से चलते हैं और मॉर्निंग काम स्टार्ट करते हैं। What's up? I hope you guys are all very fine. तो मेरी हालत में मत जाना, आज मैं सीधा वोट कैमरा करके आ गया हूँ। और अभी अपन सोयाबीन M85 की मॉर्निंग कर रहे हैं अपने नॉर्थ फार्म में, और आज अपने नॉर्थ फार्म में अपना पहला दिन है, और आज दोनों ट्रैक्टर से बुआई करेंगे। साउथ फार्म से अपन लगभग फ्री हो गए हैं। कल अपन ने पूरे दिन बुआई की सुबह से शाम तक, और कल बहुत सारा काम अपन ने वाइंड अप कर लिया है, और आज ट्राई करेंगे कि यहाँ का मैक्सिमम काम वाइंड अप कर दें। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल अपन स्वराज को लेके आ गए हैं। वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे प्लॉट है वहीं तक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट मॉर्निंग होगी। अपन एक बार सोयाबीन से फ्री हो जाए, फिर अपन धान का काम शुरू करेंगे, धान की पडलिंग का। आराम से भैया, फिर धान का काम शुरू करेंगे। धान की नर्सरी भी बहुत बड़ी हो गई है, 26 दिन की हो गई है। दूजा भी आ गया मित्रों, दूजा हम काम चलूगा मारो मार। तना बाहर ही चलाओ ओए। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपको दिखें इधर छोटे छोटे ग्रास ऊपर जंप कर रहे हैं, तो इनके लिए अपने लिए 10 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा, बुआई के 10 दिन बाद स्प्रे करना पड़ेगा, वरना वो सारा का सारा प्लांट खा लेंगे। तो आज से 10 दिन बाद स्प्रे करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो सर, देखो कितने सारे जंप कर रहे हैं, ये देखो जंप कर रहा है, शायद आपको ना भी दिख रहे हो, पर यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रास हॉपर्स हैं जिनका अपने लिए इलाज करना पड़ेगा, स्प्रे करके सबको मिटाना पड़ेगा। तो भाई अभी 8 भी नहीं बज पाए हैं और अपन ने 5-6 घंटे की बुआई कर दी है, और बहुत तेज हैं, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है आज। और भाई इतना मज़ा किसी सीजन में नहीं आया सोयाबीन के। लास्ट ईयर अपन एक ट्रैक्टर से करते थे, इस बार अपन 2 से कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेहनत भी नेक्स्ट लेवल हो रही है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसे ही चाय पी के चला रहा है। हाँ, चाय भी बहुत एनर्जी देती है ऐसे टाइम पे। फिलहाल चलते हैं स्वराज को देखते हैं। अभी मैं गया था 47 के पास, उसमें जो पीछे डोड़ा लगा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। अपन एक्चुअली बेड बनाते नहीं है, नेक्स्ट ईयर से बेड बनाएंगे, इस बार तो नहीं बना पा रहे, नाली वो बनाते नहीं है, तो पीछे डोड़ा फट्टा लगाना पड़ता है, तो उसके अंदर अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर रहा है, बीज ऊपर डला रह रहा है 50%। तो डैडी ऐसे देख लेंगे तो मेरी बैंड बजा देंगे, मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो कर दूंगा बोनी, क्योंकि अभी पानी गिरेगा तो वो सब जमीनेट हो जाएगा, लेकिन डैडी बोलते कि ऐसी बोनी नहीं करनी चाहिए, तो उनकी भी मान के चलनी पड़ेगी। तो अपन ने दूसरा लोहे का जो डोड़ा रहता है वो आया है, और अपन वो लगाएंगे। ये देखो भाई, जहाँ पे इस थ्रेसिंग हुई थी यहाँ पे बहुत सारा भूसा डला है, यानी कि कार्बन डला है, तो यहाँ नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी, तो इतनी एरिया में अपन को यूरिया फेंकवाना पड़ेगा, लगभग इतने एरिया में डलेगा अपना 1 किलो के समथिंग, वो अपन फेंकवा देंगे। वो देखो वो भग रहा है लो। तो भाई साहब, आज अपने नेवर्स भी एक्टिव हो गए हैं, देखो भाई ट्रैक्टर भाग रहा है, ये लोग राहर की बोनी कर रहा है,
देखो भाई इतना ट्रैक्टर कभी नहीं भगाते, कभी नहीं भगाते, आज भगा रहे हैं। रेल हो रहा, रेल फूड। तो अपन इसको निकाल के इसको लगा दिया है, आई होप कि अच्छा काम करेगा। हाँ यार वो नहीं कर रहा काम, और थोड़ी मिट्टी लग जाएगी तो शायद करेगा और अच्छा काम। अपन इसके अंदर मिट्टी भर सकते हैं पाइप के अंदर। मनोए हमें गर्मी उबारो सोयाबीन मिलो नंजे कहूँ हरी उबारो। तो भाई अब अपन चलते हैं स्वराज पे, स्वराज का ड्राइवर चला गया है। मेरी हालत को जज मत करना, मैं अच्छा लगता हूँ, आज बुरा लग रहा हूँ। तो मैं इसी पे चला गया है, उसको कहीं कल्टीवेटर लेके जाना है। तो अब मैं चलाऊंगा ये स्वराज। बूंदे आ गई हैं मित्रों, ये देखो मैंने तो अवेन मिलाई इतना बना मेरा आगे वाली ठीक। जा रहे हैं फटाफट से चलते, पानी भी आ गया है अभी ना गिरा भगवान। ये देखो इधर एक्सीडेंट हुआ है रात को, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। देखो चारों तरफ जंग मची हुई है। लोग भी मित्रों चैन लेके बना रहे, और एक गिलास दूध भी पी लिया है मैंने, तो थोड़ी और एनर्जी आ गई है। भाई ये चला रहे हैं स्वराज को, अभी मैं चला रहा था, फटाफट से नीचे चैन मार देते हैं। लो भाई मित्रों तो बना गए इस बार ट्रैक्टर को, उसको भी आ गई है घर पे, उसकी चैन टूट गई है। मैंने बनाने की पूरी कोशिश की और वो बन नहीं रही थी, उसको घर में भेजा दिया डैडी, अब उसको बना के भेज देंगे। नहीं बनेगी वो तो अपन उसमें दूसरी सीट में फंसा लेंगे, यानी तीसरी सीट में फंसा लेंगे और उससे करेंगे बुवाई। और पानी देख सकते हो आ ही गया है, अभी बोनी चल रही है 21-17 की। अपन थोड़ा ये भी बो देते हैं, लास्ट ईयर बोया था। ज़्यादा नहीं अपन ऐसा ही 1-8 क्विंटल ही समथिंग बो रहा है। भाई के दूसरे में चला रहा है भाई, जब तक डेडी नहीं है खेत पे। लोग भी मित्रों काम चला जाए मारो, बहुत जल्दी काम चालू कर दिया था आज 6:30-7 बजे की समथिंग, और अभी 11:30 बज गए हैं, नॉन स्टॉप लगे हैं। हाई के पहले मंगा रहे हैं, तो भाई कब तक फ्री हो पाते हैं अपन। खत्म हो गया तो अपन जा रहे हैं घर पे,
घर पे आ गए हैं, बीजू चाय चल रहा है। और मुकद्दम भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्मी लग रही है। ए हम नलका जी होड़ों पे धल ले ना, लेफ्ट लेफ्ट बोल जाए होगी उतना भी सीट डिल होता है। 4-5 क्विंटल बीज अपन तो होड़ों पे रखा है घर राजे नए के नए ट्रैक्टर हो गए करके लेफ्ट खराब हो गई गियर खोलो। भाई मेरा फोन डिस हो गया तो मैं जा रहा हूँ घर पे, और इस खेत से फ्री हो गए हैं, उस साइड वाले में जा रहे हैं। आप मुकदम चल गए अपन तो भाई सुबह के लगभग 6:30-7 से बोल रहे हैं, और अभी 3 बज गए हैं, और लगभग घंटे 1.5 घंटे में अपन फ्री हो जाएंगे। सोयाबीन की बोनी से बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया, 2-2 ट्रैक्टर से बुआई की, फाइनली अपन ने सब अच्छी तरीके से बो लिया है पूरी तसल्ली से। अब स्प्रे वगैरह काम रहेगा तो एक स्प्रे अपने लिए 8 दिन बाद करना है, दूसरा स्प्रे अपन को 18 दिन बाद करना है, और फिर ऐसे एक स्प्रे 30-31 दिन के समथिंग करना पड़ेगा। तो 3 स्प्रे तो ये हो जाएंगे अपने, और फिर उसके बाद में जितने भी होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल अपन बीज देने के लिए आए थे, और ना आज अपन ने नहाया है ना कुछ, बस थोड़ा बहुत खाना खाया है। और मुकद्दम कैसा लग रहा है आज? अब कुछ नहीं बोल रहा है। तो भाई अपन ये जो खम्मा दिख रहा है यहाँ तक पहुँचने के बाद अपन सोयाबीन की बोनी को रोक देंगे, और फिर अपन चलेंगे घर पे और नहाएंगे धोएंगे। लो जी सर, अभी बज रहा है शाम के 4:30, और 4:30 बजे अपन ने लगभग 20 एकड़ की प्लस बुआई कर दी है। और अपन ने जो बोया है वो M85 ज़्यादातर बोया है, मतलब 80-85% M85 बोया है, और थोड़ा सा 21-17 बोया है, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक बोल्ट बोया। अभी ब्लैक बोल्ट की बोई चल रही है, और बस यहाँ पर ये काम ख़त्म हो गया, यहाँ से लेके वहाँ तक रोड तक बोनी कर दी है। अब अपन चलते हैं घर पे, मुझे घर पे जाके नहाना है, उसके बाद मक्की की बोनी करने के लिए जाना है। तो फटाफट से नहा लेते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो भाई अब मैंने नहा धो लिया है, और डैडी ने बाकी सोयाबीन की बोनी भी ख़त्म कर दी है। अब अपन चलते हैं मक्की की बोनी करने के लिए। एक उसमें नमकीन का पैड लिए, इसमें डाल लेते हैं। तो जी सर चल रही है, और बिजली भी कड़क रही है, शायद से पानी गिर सकता है। चलो गिर जाए तो और अच्छी बात है, ना करे तो अच्छी बात है। जो तो जी सर, लगातार 14 घंटे की मेहनत के बाद अपन सफल हो गए हैं।